हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम ब्लाउज की पे कैसे प्लीट्स डालते हैं वो बताएंगे आपको। तो ये देखिए, हमने ब्लाउज की लंबाई ली है 15 इंच और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ते हुए हम इसको रख लेंगे 16.5 पे, निशान लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस निशान को सीधा कर लें। ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए शोल्डर का निशान हम लगा रहे हैं 6 इंच पे यहाँ पे। इसके बाद गले पे 2.5 इंच और जो हम गहराई ले रहे हैं वो 7.5 इंच की है। इसके बाद यहाँ ऊपर से हमने 2.5 इंच लिया है तो नीचे से 3 इंच लेंगे। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ। और इसको नीचे से ऐसे मिला देंगे सीधा करके और यहाँ से गोलाई देंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको डार्क करके दिखा देती हूँ, ऐसे इस तरह से। तो ये हमारा गोल निशान हो गया है। अब देखिए, शोल्डर के लिए, शोल्डर की गोलाई के लिए हमने ऊपर अगर 6 इंच लिया है तो नीचे से 6.25 इंच लेंगे। ठीक है, इसको सीधा मिला दें यहाँ से। अब यहाँ से हमारा चेस्ट साइज़ है 40, तो उसके लिए क्वार्टर हम 1/4 करेंगे 10, तो 10 में 1.5 इंच का और निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पे तो हमारा फिटिंग का निशान हो गया है और उसके बाद 1.5 इंच पे हमारा जो हमारे एक्स्ट्रा लूजिंग है इसको सीधा मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसकी गोलाई देंगे, उसके लिए हमने 1 इंच का निशान लिया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताऊँगी कि जैसे 1 इंच जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे पहले एक निशान लगा लें और जो गोलाई है उसको वहीं से मिलाएँ। ठीक है, उससे परफेक्ट गोलाई आती है। अब कटिंग के लिए इसको 1/4 इंच नीचे से लें, ये गोलाई 1/4 इंच नीचे से ले जाएँ फिटिंग से। ठीक है, तो जब हम बाजू लगाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी और परफेक्ट बैठेगी। बाजू के पास जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो नहीं होगा। ये छोटी सी ट्रिक है आप सभी के लिए, इसको ज़रूर आजमाएं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखिए सेंटर का कट लगा दें। उसके बाद जो हमारा मेन काम है प्लीट्स का, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये दोनों पार्ट्स को अलग कर लें। ये हम फ्रंट पार्ट पे सबसे पहले बताएंगे आपको प्लीट्स कैसे डालनी है। तो देखिए, ऊपर से हमें 10 पे हमारा है बस पॉइंट, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 11। तो 11 पे जहाँ पे निशान आ रहा है वहाँ से 4 इंच पे हम निशान देंगे सेंटर में। ठीक है, वहाँ तक सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने 11 पे निशान ले लिया है। 11 पे निशान देने के बाद नीचे भी उसी तरह से निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। ये देखिए, अगर चेस्ट साइज़ हमारा 40 है तो हम इसको 4 इंच का गैप दे रहे हैं सेंटर से। और अगर वहीं 2 इंच कम है, जैसे 38 है, तो हम इसमें 1/2 इंच और कम कर देंगे, 3.5 कर देंगे। अगर 36 है तो 3 कर देंगे, पर 3 से कम नहीं करना है। ठीक है, और उसी तरह से अगर 40 से ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट प्लीट लगने के बाद यहाँ से हमें 2-2 इंच का गैप लेना है सारी प्लीट्स में। ये देखिए, यहाँ से हमने इसमें भी लिया है, यहाँ से भी 2 इंच। और जो शोल्डर वाली प्लीट होती है उसको हम नीचे से 2.5 इंच पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से गैप लगना है। और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उससे 1 इंच पहले हमने निशान लगाया था गोलाई का, इसको वहाँ से मिलाना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए, ये इसको लास्ट में इसको सीधा करके ऐसे मिला देना है, सारी प्लीट्स को ऐसे मिला देंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए ये जो शेप आई है वो एकदम गोल आई है इस तरह से। और कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसको पास पास में मिला देते हैं, वो इकट्ठा हो जाता है बीच में, कोन जैसा बन जाता है, तो वो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। ठीक है, तो ऐसा ना करें, प्लीट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाएं ताकि आपका जो ब्लाउज़ है बहुत अच्छे से बने। अब देखिए, इसको पलट के दूसरी तरफ पे भी आपको लगा लेना है। इसको सेंटर पर निशान पकड़ते हुए इसको इस तरह से पलट के रख दें और इसको ऐसे थपथपा दें थोड़ा सा, तो बैक साइड पे भी आपके ये इस तरह से निशान आ जाते हैं। ठीक है, उनको आप इसी तरह से डार्क कर लें, तो इस साइड पे दोबारा से आपको इंच टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हैं। अब हम बैक का बनाते हैं। तो बैक पे भी सिर्फ 2 ही प्लेट आती हैं, तो उसके लिए फिर वही हमारा मेज़रमेंट, ऊपर से 11 और साइड से 4 इंच। ठीक है, वहीं 4 इंच नीचे भी, और इनको सीधा करके मिला देना है। ठीक है, और 1/2 इंच का गैप लेना है जैसे हमने फ्रंट में लिया था, उसी तरह से यहाँ पे भी ले लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो बैक साइड पे भी निशान आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमने तीन निशान लगाए हैं यहाँ बैक साइड पे भी लगाने हैं। अब देखिए ये जो सेंटर में निशान आ गया है इसको इस तरह से मिला दें, हमारी बैक साइड भी क्लियर हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी प्लेट्स लगाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।